नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी से बदलने वाले नियम के बारे में। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम इस नियम की माने तो हर इंसान के जीवन में हर पल कुछ न कुछ बदलाव होते हुए रहता है। ऐसे में हमारे दैनिक जीवन चर्या में भी कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे नए साल के पहले दिन से होने वाले कुछ बदलाव के बारे में। इन बदलावों से हमारे जीवन पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही यह हमारी जेब के लिए कितना लाभकारी है या फिर नुकसानदेह है। बताया जा रहा है कि बैंक से जुड़ी हुई कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है। 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे ये नियम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में। आने वाले नए साल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड में बदलाव हो सकता है। 1 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको 16 डिजिट वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर समेत कार्ड की पूरी डिटेल भरनी होगी। यानी कि अब ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट के दौरान मर्चेंट वेबसाइट या फिर ऐप आपके कार्ड के डिटेल स्टोर नहीं कर सकते, जो पहले भी सेव कर दिए जाते थे, वह अब जो है हटा दिया गया है। कैश निकालने पर लगेगा चार्ज। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से कैश निकालने और डिपॉजिट करने का चार्ज देना होगा। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। IPPB में 3 तरह के सर्विस अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक बेसिक सर्विस अकाउंट के हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री होगा, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर कम से कम 25 रुपये देने होंगे। हालांकि बेसिक सर्विस अकाउंट का पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जनवरी से ATM के पैसे निकालने होंगे और भी महंगे। अगले महीने से ग्राहकों को फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ग्राहकों को ज़्यादा पेमेंट करना होगा। जून में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से ATM से मुफ्त मासिक पैसा निकालने पर एक लिमिट के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाज़त दी थी। हर एक बैंक पर महीने कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजैक्शन देता है। अब 1 जनवरी से मुफ्त सीमा के बाद चार्ज देना होगा। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार एक्सिस बैंक या फिर अन्य बैंकों के ATM में मुफ्त सीमा के ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपये और GST देना होगा। बदल जाएगा गूगल के ऐप का नियम। गूगल अगले महीने से कई नियमों में बदलाव किया जा सकता है। 1 जनवरी 2022 से गूगल पर ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। यह नया नियम गूगल की सभी सर्विस जैसे कि गूगल एड, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर और अन्य भुगतान सर्विस पर लागू होगा। अगर आप पहले महीने से रुपवे, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर डेनरिस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल की तरफ से आपको कार्ड की डिटेल सेव नहीं किया जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी 2022 से आपको हर म्यूचुअल पेमेंट करने पर कार्ड डिटेल दर्ज करना होगा। LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने LPG गैस सिलेंडरों की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर एक महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा होता है या नहीं। यह तो 1 जनवरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसको लेकर जो अनुमान लगाए जाते रहे हैं उसमें यही अनुमान लगता है कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे हैं। तो अब तक जितने बड़े बदलाव हमने देखे वो सारे के सारे बदलाव जो है बैंक से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि अगर आप में भी लगता है कि बैंक से जुड़े हुए कुछ काम बाकी हैं, इससे जुड़े हुए कुछ काम अगर हो सकते हैं तो आप बैंक से ज़रूर जुड़े और उनसे काम करवाएँ। तो ये थे 1 जनवरी से होने वाले बदलाव, यानी कि नए साल 1 जनवरी 2022 से इन नियमों में हो जाएंगे बदलाव। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।